हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। अस्सलाम वालेकुम, शिबू किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज हम आपके लिए एक नई और मज़ेदार रेसिपी लेकर आए हैं जिसका नाम है ड्राई फ्रूट मिल्क शेक। इस रेसिपी को बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या मटेरियल्स लगेंगे वो हम आपको लाइन वाइज बताएंगे। तो आप हमारे वीडियो पर एंड तक बने रहे। चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर मिक्सर का जार लिया है जिसमें हम 10 से 15 बादाम ऐड करेंगे, 10 से 15 काजू, 10 से 15 अखरोट, 10 से 15 पिस्ता। हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को जो है मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। अब हमने यहाँ पर खजूर लिया है जिसके हम डेट्स निकाल लेंगे। हमने यहाँ पे सॉफ्ट नरम वाले खजूर लिए हैं, आप भी सॉफ्ट और नरम वाले खजूर ही इस्तेमाल करिएगा। इस तरीके से बीज निकाल लेने हैं। हमने यहाँ पर 1 कप भरकर खजूर ले लिए हैं, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। 2 स्पून शक्कर ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 लीटर दूध ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे, आप चाहे तो डाल सकते हैं फ्रेश क्रीम, ये ऑप्शनल है। हमने यहाँ पे फ्रेश क्रीम यूज की है ताकि मिल्क शेक जो है और भी मजे का बने। अब हम सारी चीजों को जो है अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है, अब हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। अब हम इसमें 2-3 बर्फ के टुकड़े ऐड कर लेंगे। अब हम ड्राई फ्रूट से थोड़ा गार्निश कर लेंगे। तो लीजिए गाइस, बहुत ही यमी सा और हेल्दी ड्राई फ्रूट्स मिल्क शेक बनकर पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। तो गाइस, आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, और आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेहनत हमारी, रहमत उसकी और प्यार आप सभी का। Keep supporting guys, love you all, khuda hafiz.